दोस्तों तुसी किसी भी पंजाब का गौरमेंट एग्जाम देने तो पंजाब जीके की अहम भूमिका रहती है। तो यह क्लासेस ने सीरीज़ वाइज तो प्रोवाइड करावगा, जिमें कि इतने देख सकते हो अज जी है पंजाब जीके की पहली क्लास है, जिस बिच आप की जियोग्राफी यानी पंजाब के भूगोल को कवर करांगे। टोटल पंजाब के जियोग्राफी के रिगार्डिंग मैं तुम्हें दो क्लासा प्रोवाइड करावगा, एंड दोनों ही क्लासा में सारा भूगोल का टॉपिक मैं कवर कर देवगा, एंड तीसरी क्लास जी होगी वह एम सी क्यू के रिगार्डिंग क्लास थोनों भूगोल की मिलेगी। सो डेली क्लास थोनों मिले करेगी, इस करके जो हाले तक तुम सा वट्सअप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं देता, उतने जाके वट्सअप ग्रुप में भी ज्वाइन कर लो, जिस तुम्हें क्लासा के लिंक प्रोवाइड होंगे रहेंगे। तो हूँ आप शुरू कर लेने पंजाब जीके की क्लास अपनी, जिस भूगोल बारे जाणांगे। सब तो पहले नॉर्मल जी गल्लां देख लो, इस विच की नॉर्मल जी चीज़ां आपां नूं पता होना चाहिए। जिहड़ा पंजाब शब्द है, ये पंजाब फारसी भाषा दे शब्द तो बनया है, मतलब कि फारसी विच इसनूं की कहा जाता सी, सॉरी इत्थे पंजाब लिखता, इत्थे की है पंज प्लस आब इसनूं कहा जाता सी, ते इसका नाम पंज प्लस आब तो ही पंजाब का नाम बनया है। ठीक है, तो पंज प्लस आब का मतलब की है, पंज दरिया यानी पंज आब मतलब पंज पानी वाली प्लेस, तो जिथे पंज दरिया ने उस एरिए पंजाब का नाम दिता गया। तो यह पंज दरिया किहड़े किहड़े ने, जहलम, रावी, चनाब, सतलुज ते ब्यास। तो दोस्तों हुण एग्जाम विच किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस दे रिगार्डिंग, कि पंजाब किन्ना पंज नदियों तो मिलकर बनाया है। पहला सत नदियां सी, उस तो बाद पंज रिवर के नाते अपना पंजाब का नाम पै गया सी। ठीक है, पंजाब का वैदिक नाम की सी, सप्त सिंधु सी। सप्त सिंधु क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम अपने भारत पंजाब विच सत नदियां वगदियां सी, तां करके इसका नाम सप्त सिंधु पै गया सी। ते जो यूनानी के दौरान पंजाब नूं की कहा गया सी, यूनानी आए सी जो पंजाब विच, तां उसने पेंटोपथोमिया का नाम पंजाब नूं दिता सी, जिसका मतलब सी अनाज अनाज की मंडी कुछ इस तरह का, इसका मतलब होंगे पेंटोपथामिया का। तो एक बारी ह्यून सांग नामक एक चीनी यात्री आया से, जिसने पंजाब नूं की कह के बुलाया से, सहकाई यानी शिकाई कह के उसनों बुलाया से। एग्जाम विच इन्हां तिन्हां दे रिगार्डिंग कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है। एग्जाम विच पूछा जाता है कि वैदिक काल दौरान पंजाब नूं की कहा जाता से, तो याद रखो सप्त सिंधु कहा जाता सी। एग्जाम विच बन सकता है कि यूनानी जदों आप भारत में आए थे तो पंजाब नूं की नाम दिता से, याद रखियो पेंटोपथामिया इसका नाम दिता सी। जा कहा जा सकता है कि ह्यून सांग जदों भारत का दौरा किया सी, तां ह्यून सांग ने पंजाब नूं की कह के संबोधित किया सी, तां शेकाई नामक वर्ड पंजाब नूं दिता सी ह्यून सांग ने। ओके दोस्तों, ये तो सी नॉर्मल जी गल्लां, तो हुण आपां गल कर रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल, किहड़ा चीज़ अपने वास्ते इंपोर्टेंट है, तो अपने वास्ते की इंपोर्टेंट है अज का पंजाब है जिहड़ा, यह इंपोर्टेंट है। इस दे रिगार्डिंग ही मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम विच बनते हैं। सब तो पहला की पॉइंट है, पॉइंट तुसीं याद रखियो एंड नाल दी नाल राइट डाउन जरूर करते रहो। पंजाब भारत के उत्तर पछम यानी नॉर्थ वैसट विच शामिल है, मतलब कि पूरा इंडिया विच अपनी डायरेक्शन कीड़ी है पंजाब की, नॉर्थ वैसट विच पंजाब रहिंदा है, मतलब कि पंजाब का एरिया है। इस तों बाद पंजाब का कुल रकबा, मतलब कि कुल किन्ना एरिया जमीन का घेरिया होया, तो 50,630 किलोमीटर तक पंजाब ने पूरा एरिया घेरिया होया है। इस विच देख सकते हो, ये पंजाब का मैप है, तुसीं इधर भी निगाह रखियो। तो इस तों बाद पंजाब की एक अंतरराष्ट्रीय सरहद है, पंजाब नाल सिर्फ एक अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर लगता है, जिहड़ा कि आपां नूं पता है पाकिस्तान है। वह तो पाकिस्तान पंजाब के किधर स्थित है, किहड़े डायरेक्शन में स्थित है, यह पछम विच है। एग्जाम विच पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि पंजाब के पछम विच किहड़ा राज्य है जां किहड़ा देश की सरहद लगती है। ओके दोस्तों, ये तो नॉर्मली है, एक है सिर्फ जिहड़े अपना बॉर्डर तो एक ही है पाकिस्तानी, तुहानूं ईजली याद रह जाएगा, बट आपां नूं की याद रखना है कि किहड़े अपने पंजाब के किहड़े डायरेक्शन विच किहड़ी साइड विच किहड़ा राज्य लगता है, मतलब कि किहड़ी स्टेट लगती है। हुण इह ध्यान नाल देख लो, उत्तर विच है जम्मू कश्मीर, अपना पंजाब के उत्तर विच जम्मू कश्मीर का बॉर्डर लगता, मतलब कि अपने स्टेट का बॉर्डर लगता, अते उत्तर पूर्व विच हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर लगता, अपनी स्टेट है इंडिया की स्टेट है हिमाचल प्रदेश, उसका बॉर्डर पंजाब दे नाल लगता है। इस तों बाद की है, पूर्व विच चंडीगढ़ लगता है, जिहड़ी कि अपनी पंजाब की कैपिटल है। इस तों बाद दक्षण पूर्व विच हरियाणा लगता है, अते दक्षण पछम विच है जो राजस्थान पंजाब के बॉर्डर नाल टच करता है। जिहड़ा अपना अज का पंजाब है, ये किवें बनया, ये तीन दरियावां के आधार पर पंजाब की वंड की गई है।
सब तो उपर नदी है इतने मैप में निगाह मारो सब तो उपर जी नदी है ये ब्लू कलर की जी रिवर जाती है ये रावी नदी है ठीक है। तो इस एग्जाम पूछा जाता है कि पंजाब दे वंड दे विच सब तो उपरली रिवर केड़ी है तो याद रखो रावी है उपरली उस तो नीचे है जी सैकंड नंबर पर ब्यास है उस तो नीचे है तीजे नंबर से सतलुज है। इन्हां तिना रिवर दे मतलब कि तिना नदियों के थ्रू पंजाब की वंड की गई है। हूँ इतने देखो रावी नदी दिख रही है तुम मैप में तो यस करो वीडियो में कमेंट करके यस भी कर दिया करो तो जेड़ा भी यह रावी है तो इधर तुम देख सकते हो यह अपनी ब्यास रिवर है तो इधर आप नीचे देख सकते हैं तीजी जी ये सतलुज रिवर है तो इस तो नीचे सब तो लास्ट पर है कि घग्गर नदी यह अपने पंजाब नहीं वगदी यह हरियाणा वगदी है। इसकी पूरी डिटेल दसागा किमें है यह तो हूँ की किया जो बंटवारा मतलब कि वंड करनी से पंजाब के हिस्से मतलब कि करना से किड़ा हिस्सा भी किन्ने डिस्ट्रिक्ट वगैरह जी रीजन बनाने ने तो इन्होंने की किया जो रावी और ब्यास का विचकारला एरिया है किड़ा एरिया यह वाला एरिया रावी और ब्यास का एरिया मैप में देखो दोस्तों निगाह रखो जोड़ा यह एरिया है सारा यह कि माझा मा एरिया घोषित कर दिता। ओके दोस्तों इस तो बाद जो ब्यास सतलुज का विचकारला एरिया है उसनों दुआबा घोषित कर दिता यह जड़ा यह आ गया यह सारा दुआबा एरिया आ गया ठीक है। ब्यास और सतलुज नदी के विचकारले हिस्से को आप दुआबा एरिए के नाम नाल जानते हैं। इस तो बाद सतलुज और घग्गर का विचकारला एरिए की कि नाम नाल जाने जाता है मालवा एरिया जाने जाता सब तो व्डा मालवा एरिया है खेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब नाल एग्जाम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जनसंख्या के हिसाब नाल सब तो व्डा खेत्र यानी रीजन केड़ा है तो मालवा याद रखियो एंड जनसंख्या के हिसाब नाल भी मालवा ही सब तो बड़ा एरिया है। तो सो ईजी जे पॉइंट ने यह सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल काफ़ी इंपोर्टेंट ने एग्जाम में इस तरह के पॉइंट्स ही पूछे जाते हैं विचाले घुमा फिर आके इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं ता करके इन्होंने राइट डाउन जरूर कर लो लिख लो उन्होंने एंड नाल दी नाल चैनल को सबसक्राइब तो वीडियो में लाइक भी कर लियो जो नहीं किया तो कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट आप खेत्रों बारे भी जानते हैं। सब तो पहले आप गल करिए माझा खेत्र में कि उपभाषा बोली जाती है यह माझी भाषा इसको कहा जाता है। माझी भाषा एक मेन पॉइंट एग्जाम में यह चीज़ रिपीट हो चुकी है कि पंजाब के किड़े खेत्र की भाषा में केंद्रीय टकसाली यानी टकसाली भाषा सॉरी भाषा ने उपबोली कहा जाता है मतलब कि मनिया जाता है। याद रखियो माझा की जी माझी बोली है इसनों केंद्रीय टकसाली उपबोली के नाम नालों भी जाना जाता है। इस तो बाद इतने किड़े किन्ने जिले ने माझा खेत्र में टोटल चार जिले ने अमृतसर पठानकोट यह स्पैलिंग इतने मिस्टेक हो गई है पठानकोट तुसी लिख लो। इस तो बाद गुरदासपुर ते तरन तारण यह चार मेजर जिहड़े जिले ने। एक गल यह याद रखियो कि पंजाब के किहड़े खेत्र नूं हार्टलैंड पंजाब का हार्टलैंड कहा जाता है तो वह भी किसनों कहा जाता है माझा खेत्र नूं ही हार्टलैंड कहा जाता है। इस तों इलावा सिख धर्म का पंगूड़ा भी माझा खेत्र वजों ही जाना जाता है मतलब सिख धर्म का पंगूड़ा किहड़े खेत्र नूं कहा जाता है वह भी माझा खेत्र नूं ही कहा जाता है। यह पॉइंट ने इस तरह के पॉइंट आप कदे देखे नहीं होंगे सुने नहीं होंगे तो करके एग्जाम में आ जाते हैं तो करके लिख जरूर लियो एंड जो वीडियो बेनीफिशियल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लिया करो। इस तो बाद गल करिए दुआबा खेत्र की इतने की उपभाषा जी दुआबाई है तो इसकी मतलब कि उपभाषा कि दुआबी उपभाषा है। इस खेत्र 35% लोग ने जोड़े वह एस सी कैटेगरी के लोग कहते हैं। एग्जाम में इस तरह के पॉइंट बनते हैं कि किहड़े खेत्र सब तो ज़्यादा मात्रा में एससी एसटी या जनरल कैटेगरी कुछ भी बन सकता इस तरह का क्वेश्चन तो याद रखो एससी कैटेगरी जेडे 35% जेडे दुआबा एरिए रेंदे ने ते इस खेत्र में ही एन आर आई लोग जेडे कि जिन्हों का हर परिवार विचों एक ना एक जना फॉरन सैटल है उत्थे रहिंदा है तो एन आर आई रीजन भी इस खेत्र में ही कहा जाता है। ओके दोस्तों याद रखियो तो इस खेत्र की मिट्टी सब तो उपजाऊ है तो एग्जाम में बन जाता है कि पंजाब के किहड़े हिस्से में सब तो उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तो याद रखो दुआबा खेत्र में है। तो हरी क्रांति हुई थी जो पंजाब में तो दुआबा खेत्र ने ही सब तो पहला इसकी शुरुआत की थी हरी क्रांति की। तो इस जिहड़े खेत्र में है पंज जिले इनकलूड ने हुशियारपुर है कपूरथला जलंधर नवांशहर सॉरी इतने चार है यह पंज गलती नाल लिखा गया आई थिंक चार जिले में इनकलूड ने हुशियारपुर कपूरथला जलंधर नवांशहर। ओके दोस्तों इस तो बाद आप गल कर ली ना मालवा खेत्र का मालवा खेत्र दोस्तों मैं भी मालवे तो हाँ करके थोड़ा जहा मैनू है
ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ? ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 15 ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਰੀ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ। ਇਹ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਅਤੇ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 23ਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 23ਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਇਹ 23ਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਈ ਵਾਰ ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਦੋਂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ 14 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲਾਸ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਯੈਸ ਸਰ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਨਦੀ, ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਨਦੀ ਨਾਲ ਵਗਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਨਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਸਤਲੁਜ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤਿੱਬਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਝੀਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਖਤਸ਼ਾਲ ਝੀਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਦੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ 1550 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ ਹੈ ਇਸਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 1550 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਖਤ ਸ਼ਤਲ ਝੀਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੰਗਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਖਤਸ਼ਾਲ ਝੀਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਣਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਲ ਡੈਮ, ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ, ਬਸਪਾ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਨਥਾਪਾ ਝਾਕਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਨਾਮ ਬਾਹਲੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ 'ਤੇ ਇਹ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਡੈਮ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਕੋਲ ਡੈਮ, ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ, ਬਸਪਾ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਨਥਾਪਾ ਝਾਕਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਬਿਆਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਤਪਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਵਿਪਾਸ਼ਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਰਡ ਹੈ ਵਿਪਾਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਪਾਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਿਆਸ ਸ਼ਬਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਦੋਸਤੋ, ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ, ਰੋਹਤਾਂਗ ਦਰਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਹਤਾਂਗ ਦਰਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹਰੀਕਾ ਪੱਤਣ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੋਹਤਾਂਗ ਦਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਸਤੋ, ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 470 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਡੈਮ ਬਣਿਆ? ਪੋਂਗ ਡੈਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਡੈਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਇਹ ਬਿਆਸ ਨਦੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਡੈਮ ਹੈ ਪੋਂਗ ਡੈਮ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ 'ਤੇ ਹੈ? ਬਿਆਸ ਨਦੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ, ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆ ਹਾਈਡੀਅਲ ਚੈਨਲ ਜੋ ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਆਸ ਨਦੀ 'ਤੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਵੀ ਨਦੀ। ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੋਹਤਾਂਗ ਦਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਹਤਾਂਗ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਚੰਬਾ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਂਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਬਾ ਸਰਹੱਦ ਹੈ ਕੋਈ, ਉੱਥੇ ਚੌਂਦ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਚਨਾਬ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 720 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਡੈਮ 'ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ, ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਰਾਵੀ ਨਦੀ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਨਦੀ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗਾ, ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਐਂਡ ਜੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।